शिवाजी यहाँ आए उनसे बात करने के बाद और हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात करने के बाद इस मार्ग को प्रशस्त कर दिया और नाथुला से हमारे जत्थे जा सके इसके बारे में सुनिश्चित कर दिया। अभी जब मैं चाइना गई थी उस समय ये जो लेटर्स हैं ये एक्सचेंज हो गए थे और अभी जब प्रधानमंत्री चाइना गए थे तो उन्होंने इसके लिए बहुत धन्यवाद चाइना का किया था। कूटनीति की दृष्टि से मैं कहना चाहूँगी भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा अहम पड़ाव ये आया है क्योंकि विदेश नीति में पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट जन का जन से संबंध इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसमें भी अगर तीर्थ यात्रा के माध्यम से हो तो और भी अहम हो जाती है और आज हमारे तीर्थयात्री कहीं ना कहीं मन में चीन को ज़रूर धन्यवाद दे रहे होंगे कि उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए जो भूमिका निभाई है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। अभी रिपुर एक का दूसरा जत्था भी मैंने यहाँ से रवाना किया जो इस वर्ष का पहला जत्था था उसमें भी मैंने देखा लोग 22 साल के 25 साल के ज़्यादा ही कोई हुआ तो 30 में होगा इस तरह के लोग जाते क्योंकि वो ट्रैकिंग का रास्ता है और बहुत दुर्गम ट्रैकिंग है पहाड़ की चढ़ाई है तो चढ़कर जाना पड़ता है रास्ते की दिक्कतें सहनी पड़ती हैं। उस रास्ते से जाने के बारे में कभी भी एक उम्र से बड़े लोग सोच भी नहीं सकते लेकिन अपनी उम्र के कारण या शारीरिक निशक्तता के कारण वो कैलाश मानसरोवर के दर्शन से वंचित रह जाएं ये पीड़ा उन्हें ज़रूर सताती है लेकिन ये रास्ता खुलने के बाद मैं जैसे देख रही हूँ हमारे यहाँ बड़ी उम्र की बहनें भी बैठी महिलाएँ आई उनके मन की कितनी बड़ी इच्छा शिव पूरी कर रहे हैं कि वो वर्षों से भक्ति करके करती आ रही हैं भगवान शंकर की लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये भाव जरूर रहा क्या तुम कैलाश पर बैठे हुए हमें दर्शन दोगे लेकिन शारीरिक शक्यता बाधा बन जाती थी। आज वो बाधा दूर हो रही है और पूरे मोटरे पर रास्ते से आप लोग जाएंगे रास्ते में कहीं आपको पैदल चलना नहीं पड़ेगा। अगर वहाँ जाकर आपके मन में इच्छा हो परिक्रमा करने की तो वो 3 किलोमीटर का रास्ता है आप में से वो लोग जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हुए वो परिक्रमा करना चाहें तो कर सकते हैं वरना बहुत आराम से मोटर से उतर कर आप भगवान शंकर के दर्शन कर सकते हैं ओम पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा का परिणाम है कि आज का ये दिन आया और आप भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको बधाई देती हूँ और आपके भाग्य को सराहती हूँ क्योंकि बहुत कम लोग इसमें जा पा रहे हैं 250 लोग टोटल जाएंगे 50-50 के 5 जत्थे होंगे। अब लोगों ने अप्लाई तो बहुत किया था लेकिन लॉटरी निकली और उस लॉटरी में आप आ गए इसलिए मैं कहना चाहती हूँ बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं स्वयं शिव का बुलावा आपको आया है भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए जाइए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार पूरी तरह से आपकी सुविधा का ध्यान रखेगी वहाँ से हम लोग लगातार संपर्क में रहेंगे देखते रहेंगे यात्रा कैसी चल रही है कैसी जा रही है पूरी सुरक्षा के साथ आप जाएं अपनी आस्था पूरी करके पूरी सुरक्षा के साथ वापस लौटें यही शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। जय जय शंकर हर हर शंकर बोल शंकर भगवान की जय।